आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में अपन को बोला गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस का एक तरफ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे तरफ 20 सेंटीमीटर है। तो अपन को उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है जब एक लिक्विड में रखा गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5। तो ये दोनों विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। जब ये दोनों एयर में मेजर करेंगे तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 1.65 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 1.5। तो अपन को क्या चाहिए, जब लिक्विड के अंदर ग्लास रखा गया उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, दैट इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए बाय म्यू ऑफ एल आई ए और ये म्यू ऑफ ए बाय म्यू ऑफ जी है। अपन को क्या चाहिए, म्यू ऑफ एल बाय म्यू ऑफ जी चाहिए। तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो म्यू ए म्यू जी बाय ए म्यू एल इज इक्वल्स टू एल म्यू जी। तो अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो अपन को एल म्यू जी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड क्या मिलेगा, 1.5 डिवाइड बाय 1.65 दैट इज इक्वल्स टू 10/11। सो डायरेक्टली अभी लेंस मेकर फॉर्मूला से अपन 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 -1/r2 करते हैं। सो एक का 10 दिया हुआ है, एक का -20 दिया हुआ है। सो 1/f इज इक्वल्स टू 10/11 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 माइनस ऑफ -20 दैट इज इक्वल्स टू -1/11 मल्टीप्लाइड बाय 3/20 इज इक्वल्स टू -3/220। सो यहाँ से फोकल लेंथ का वैल्यू आएगा -73.33 सेंटीमीटर्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।